नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। मंगलवार रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार 2:03 बजे किया जाएगा। Kernataka. When Sonia Gandhi ji contested in Ballari by election, party has directed her to contest in Ballari. She contested. Because of her contest, there is a serious fight in between Congress and the BJP. And the BJP organized like anything. So, we condone. Any personal moment to memory? आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दी है श्रद्धांजलि सुषमा स्वराज के निधन पे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जहां शोक जताया, तो वहीं दी है श्रद्धांजलि। सुषमा स्वराज के घर जाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही शोक जताया है ट्वीट कर।
वहीं सुषमा स्वराज के निधन पर उन्हें बड़ी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने आज अपनी एक अत्यंत प्रिय बेटी खोई है। पीएम मोदी ने कहा, देश के लिए सुषमा स्वराज ने जो योगदान दिया है उसके लिए वो हमेशा याद रहेंगी। अमित शाह ने कहा, सुषमा स्वराज जी का निधन भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। राहुल गांधी ने कहा, अद्भुत नेता थी सुषमा स्वराज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वो सुषमा स्वराज के निधन से गहरे सदमे और दुख में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन के बारे में सुनकर बेहद स्तब्ध हूं। इस खबर को स्वीकार करना मुश्किल है मेरे लिए।